देखो मैंने मैंने तुम्हें बता दिया था, पहले ये पढ़ा चुका हूँ, लॉ ऑफ मैकेनिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज दैट वी हैव ए बॉडी, सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास एम, ये हमारे पास एक एम मास की एक बॉडी है जो कि एच हाइट पर है। इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी है, एच। यहां पर ये बॉडी, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। बट ड्यू टू इट्स हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। हेयर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू दी वेलोसिटी जीरो, बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी हेयर, सम पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच एम जी एच, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम इस बॉल को ऊपर से फॉल करते हैं तो ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, दैट मीन्स इसके पास वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इसके पास वेलोसिटी आएगी तो इसके पास क्या आनी शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास आनी शुरू हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये यहां से बॉडी यहां पर आई तो इसकी हाइट देखिए, यहां से इसकी हाइट कम हो गई। अगर हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी कम हो गई। एच कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो व्हेन ए बॉडी इज फॉल फ्रॉम सम हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज रैपिडली बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। व्हाई इंक्रीज, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। तो हम जब किसी बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती चली जाएगी, बट इट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या होगा, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। हाउएवर एट ए सम पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट्स ले लीजिए आप, इन दोनों का सम कितना मिलेगा आपको, कॉन्स्टेंट मिलेगा। द टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट्स। कहीं पे भी एक पॉइंट्स ले लीजिए, उसी पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगी। सपोज दैट यहाँ पर फिलहाल टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। अगर आप इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करने बैठते हो तो यहाँ पर भी टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, एम जी एच। यहाँ भी कितनी आएगी, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इस पर तीन चार पॉइंट ले लीजिए, तीनों चारों पॉइंट्स पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को निकाल दीजिए। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए ए। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए बी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख दीजिए सी। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तीनों पर सेम आएगा, तीनों पर ही कितना आएगा, ये सेम। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, कहाँ पर, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकालना बहुत ईजी है, बिकॉज हेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बट ड्यू टू इट्स हाइट, हाइट्स कितनी है, एच, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। हाउ मच टोटल एनर्जी, एम जी एच एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वाई इज जीरो, बिकॉज हेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो, सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। एंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ड्यू टू इट्स हाइट। सो टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द टोटल
एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। सो अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो आप आंसर दोगे द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ये रहे ना, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है ये? जीरो। ये कितनी है? mgh। सो टोटल कितनी आई? mgh। तो इस पॉइंट पे हमने कितनी एनर्जी पाई? mgh। क्या पॉइंट बी पे भी mgh ही होगी? तो इसको चेक करते हैं। लेट्स चेक एट पॉइंट बी। तो बी पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम मास जी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है इसकी? ये इट्स हाइट। ये हाइट कितनी है? आई डोंट नो, बट इफ वे इमेजिन दैट सपोज आवर बॉडी इज ट्रेवल बाय ए डिस्टेंस एक्स, देन हाउ मच डिस्टेंस? टू एक्स। कैसे हो जाएगा ये 10 मीटर थी और ये 5 मीटर चल के आ गई, कितनी रह गई? हाइट में से एक्स माइनस कर दो ना। नहीं आई बात समझ में? ये टोटल एनर्जी 10 थी, सॉरी टोटल हाइट 10 थी, ये घटती 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 ये 5 मीटर चल के आ गई, ऊपर से 5 मीटर चल के आई, तो टोटल अब कितने रह गई? ये अब ये 7 चल गई, ऊपर से 7 चल गई, कितनी रह गई आई? कैसे आया 3? किस में से माइनस करा? टोटल हाइट में से। टोटल हाइट में से जितनी बॉडी ट्रेवल कर चुकी है उसको सब ट्रैक कर दीजिए। तो टोटल हाइट कितनी है? एच। एच में से क्या माइनस करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी, एच माइनस एक्स। तो हाउ मच डिस्टेंस? एच माइनस एक्स। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी हाइट। हाउ मच हाइट? एच माइनस एक्स। एच माइनस एक्स। नाउ वी सॉल्व इट। एम जी एच माइनस एम जी एक्स, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट दी बी। नाउ वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नंबर एक ये हो गया। नंबर दो किसको निकालेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वेलोसिटी। कहाँ की वेलोसिटी? जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हो। कहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं? बी पर। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? आई डोंट नो, पता ही नहीं कितनी वेलोसिटी है। तो हम किसको निकालेंगे पहले? वेलोसिटी को, और फिर यहाँ रखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब वेलोसिटी कैसे निकाले? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी कौन से में आता है? अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट में आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम नहीं है यहाँ पे, तो उसको तो कैंसिल कर दीजिए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें वेलोसिटी नहीं आ रही, उसको भी कैंसिल कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन को यूज कीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ये हमारे लिए सही रहेगी। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, आ जावे यहाँ तक तो दिख रहा। चलिए तो हम कौन से इक्वेशन को यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड आपको मालूम है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ए टू प्लस टू ए एस। नाउ वी पुट दी वैल्यू वी स्क्वायर, यहाँ का v हमें निकालना है, फाइंड करना है। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई थी ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर लिखे कि जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू ए। कौन सा केस है? ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी के केस में ए को क्या लिखते हैं? जी। तो यहाँ लिखेंगे जी इंटू एस। एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी।
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है हमारी बॉडी, जरा देखिए यहां से कितनी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर, एक्स। तो यहां पे कितना पुट करेंगे हम? रिया समझ में नहीं आई, आ गई है? है? आ गई। तो वी स्क्वायर हाउ मच? 2gx। सो इट्स वेलोसिटी, पॉइंट बी पर कितनी वेलोसिटी है बॉडी की, तो पॉइंट बी पर हमारी वेलोसिटी आई रूट टू जी एक्स। नाउ दिस वेलोसिटी पुट इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप इसको पुट कीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां पर हमने पुट करना शुरू कर दिया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे ले, नहीं तो बुध मारूंगा वहीं आ गए। इधर ध्यान दे। नाउ दिस वेलोसिटी पुट इन इक्वेशन दिस इक्वेशन, सो वी गेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2gx। सो वी पुट 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई हमको? mgx। तो इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली है, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी? mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ अपोजिट। सो वी गेट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एट पॉइंट बी, mgh एट पॉइंट ए पे कितनी आई हमारी mgh, बी पे भी कितनी आ गई mgh, सी पे भी कितनी आ जाएगी mgh, प्रूफ करके देख लेंगे, यही आती है नहीं। अगर पॉइंट सी पर भी mgh आ गई तो समझ जाइए जो हमारा रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स प्रूफ, प्रूफ हो जाएगा। नाउ एट पॉइंट सी, सी पर आइए अब आप। जैसे ही हम सी पर पहुंचते हैं, हाइट का क्या हो चुका है? खत्म। अगर हाइट जीरो हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है? एम जी एच, एच की वैल्यू की आप पुट करो जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म। क्या काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो चुकी है एट पॉइंट सी पर? तो आंसर है अगर वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी तो वो भी जीरो हो चुकी होगी। बट जैसे ही बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो उस पे कब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो वी कैन नॉट से एट पॉइंट सी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो और द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, देन वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब आ जाइए यहां पर वेलोसिटी। टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट सी, अगेन वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? आंसर है सेकंड, सॉरी थर्ड। थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती है, ठीक है। चलिए आइए, तो हीरो एस, वी नीड टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ की कैलकुलेट कर रहे हैं हम? एट पॉइंट सी की। सी पर कितनी वेलोसिटी है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो लो जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, यू की वैल्यू कितना पुट करोगे? यू फोर इनिशियल वेलोसिटी। हाउ मच इनिशियल वेलोसिटी? तो इसमें कितना पुट कर देगी रिया? प्लस टू ए, ए की जगह क्या रखेगा? जी, बिकॉज इट्स केस ऑफ ग्रेविटेशन। जी एस, एस मीन्स डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। हाउ मच डिस्टेंस कवर?
कितना डिस्टेंस कवर कर गई, तो फुल कवर कर गई, और फुल कितनी थी ये एच, फुल कितनी थी ये एच, तो ये एच कवर करके नीचे आ गई, तो एक्स की जगह एस की जगह क्या रखेंगे एच, तो ये आपको बी स्क्वायर कितना मिल गया 2gh। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। सो नंबर एक ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी एक पॉइंट सी, नंबर दो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना निकाला अभी हमने 2gx, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 2gh, 2gh टू कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द बोथ एनर्जी, बोथ एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस तू भी अभी बोलने को था भाई पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इधर सुनो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड द प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आई हमारी एम जी एच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी एच, एम जी एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, तो ये हमारी हो गई जीरो। तो टोटल एनर्जी आपको कितनी मिली एट पॉइंट सी पर एम जी एच, आप देख रहे हो हमने पॉइंट ए पर, हमने पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करी कितना आया एम जी एच, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन की कितनी एनर्जी आई टोटल एम जी एच, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन की तो कितनी आई फिर अगेन एम जी एच। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये क्या प्रूफ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट्स पर, हर एक पॉइंट्स पर मैकेनिकल एनर्जी का जो सम रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्व मीन्स कॉन्स्टेंट रहता है, वो नहीं बदला करता, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को अब हम याद रख लेंगे, दी टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एवरी बॉड, एट एवरी पॉइंट्स, ठीक है। ये मैंने तुम्हें प्रूफ करा रखा है इसमें, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, सेम इसी तरीके से प्रूफ कर रखा है। सिर्फ यहाँ पे जैसे ही हम पॉइंट पी पर पहुँचते हैं, तो पॉइंट पी पर आने के बाद हमें वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिविन नहीं है, ना ही हमको मालूम है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया और वेलोसिटी को फाइंड आउट किया और फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली। सेम ऐसे ही यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। समझ आ गया पूरा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।